बगहा में अवैध बालू खनन पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बगहा एसडीएम अनुपमा सिंह और एसडीपीओ बगहा कैलाश प्रसाद ने बड़ी संख्या में बालू लदे कई वाहन जब्त किए हैं। हालांकि अवैध खनन कर रहे माफिया और कर्मी भागने में सफल रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम ने कई वाहनों पर ओवरलोड बालू के साथ अवैध खनन का खुलासा किया है और इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के बगहा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम और एसडीपीओ ने कार्रवाई की है। ओवरलोडेड बालू से लदे वाहन को जब्त कर लिए हैं। हालांकि जो वाहन चालक हैं और जो बालू तस्करी का काम करते हैं, अवैध खनन का काम करते हैं, वो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके जो ओवरलोडेड ट्रक थे वो जब्त कर लिए गए हैं।